हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध उपन्यासकार चेतन भगत के बारे में, जिन्होंने हाल ही में अपनी किताब द गर्ल इन द रूम 105 का ट्रेलर लॉन्च किया है। आइए जानते हैं उनके उपन्यास के बारे में। चेतन भगत एक प्रसिद्ध लेखक, स्तंभकार, पटकथा लेखक, टेलीविजन व्यक्तित्व और प्रेरक वक्ता हैं। ये अपने उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। चेतन भगत देश के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। साल 2008 में एक अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम ने भगत को भारत के इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाली अंग्रेजी भाषा के उपन्यासकार के तौर पर संबोधित किया। चेतन भगत का जन्म 21 अप्रैल 1971 को दिल्ली में हुआ था। वे इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा के उपन्यासकारों में से एक हैं। उन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं, जिनमें कुछ ने बहुत ही लोकप्रियता हासिल की है, जैसे टू स्टेटस, हाफ गर्लफ्रेंड आदि। चेतन भगत ने कई पत्रिकाओं, न्यूज़पेपर के ऊपर भी उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने करियर विकास और करंट अफेयर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर के बारे में भी लिखा है और आगे भी लिखते जा रहे हैं। ऐसा माना गया है कि भगत के उपन्यासों की 7 मिलियन से ज़्यादा प्रतिलिपियाँ हैं। इन दिनों भगत अपने उपन्यास द गर्ल इन रूम 105 के लिए चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने अपने इस उपन्यास का एक ट्रेलर वीडियो जारी किया है। उनकी इस किताब द गर्ल इन रूम 105 के आधार का नाम भी हिंदू धर्म के देवता कान्हा जी के नाम पर है। उनके हर उपन्यास में नायक का नाम श्री कृष्ण के पर्यावाची नाम पर होता है। चेतन का कहना है कि उन्होंने इस किताब का वीडियो अपने पाठकों को किताब से परिचित करने के लिए किया है। प्रसिद्ध अभिनेता विक्रांत मेसी इस ट्रेलर में अपनी कहानी बता रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें उपन्यास का वीडियो जारी करने का सुझाव फिल्म निर्माता मोहित सूरी ने दिया था। सूत्रों के मुताबिक उनका इरादा इस पर वेब सीरीज या फिल्म बनाने का है। कुछ पाठकों ने उन्हें इस किताब के ट्रेलर लॉन्च करने के लिए बधाई दी, तो कुछ ने उनकी इस हरकत पर आलोचना की और सवाल भी उठाए हैं। चेतन ने इस किताब के ट्रेलर को एक विशेष टैगलाइन भी दी है, एन अनलव स्टोरी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।